रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता पर बात करने जा रही हूँ, जो कि यूजी सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसका प्रमुख लक्ष्य जीविकोपार्जन का साधन बनना होता है। यह हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन, कार्यालय, मीडिया, बैंक, विधि, कृषि, वाणिज्य, तकनीकी, विज्ञापन, विज्ञान, शैक्षिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ली जा रही है। विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, मीडिया कर्मी, व्यापारी, किसान, वैज्ञानिक आदि के कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा के प्रयोजन मूलक रूपों का संतोषप्रद विकास एवं विस्तार हुआ है। आज हिंदी सिर्फ सृजनात्मक साहित्य लेखन की भाषा नहीं है, आधुनिक विषयों तथा ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में भी उसका प्रयोग हो रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय विकास के लिए भाषा के साहित्यिक और साहित्येतर दोनों पक्षों की आवश्यकता है। कोई भाषा कितनी ही विकसित और कितनी ही समर्थ तथा सशक्त क्यों ना हो, उसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसके साहित्य में कितनी विविधता है। उसमें सभी विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली विद्यमान है और वह प्रशासन, वाणिज्य, जनसंचार तथा ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी आविष्कारों को व्यक्त करने में कितनी सक्षम है। उस भाषा का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में हो रहा है इत्यादि। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि क्या वह आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है और भविष्य में इसकी प्रगति के लिए उसमें कितनी संभावनाएं हैं। आधुनिक युग की आवश्यकताएं प्रयोजन मूलक भाषा रूपों का निर्णायक तत्व है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र विशाल एवं बहुआयामी है। डॉक्टर विनोद गोदरे के शब्दों में कहना हो तो प्रयोजन मूलक हिंदी एक ओर केंद्र व राज्य शासन के पत्र व्यवहार, विधान मंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियां, कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, आयोग समितियां, अभिकरण, मसौदे, निविदा, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, विधि, बैंकिंग सेवा तथा डाक तार आदि में प्रयुक्त होती है। और दूसरी ओर व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया, दृश्य श्रव्य माध्यमों आदि में शब्द की भूमिका निभाती है। इसके अलावा जीविकोपार्जन में सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा के विविध आयाम प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यापक व्यवहार क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। धन्यवाद।